तो आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी, और इन्हें मसाला मूंगफली भी कहा जाता है। इन्हें बनाना बहुत आसान है और ये खाने में सुपर टेस्टी लगती हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं टेस्टी। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है आधा कप बेसन, उसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, और डालेंगे आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, एक चौथाई छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, और डाल देंगे इसमें लगभग एक कप मूंगफली, और इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। उसके बाद अच्छी तरीके से मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, और इसे मतलब इतना पानी डालेंगे कि ये जो बेसन है वो हमारा मूंगफली से अच्छी तरीके से कोट हो जाए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने मूंगफली को अच्छी तरीके से बेसन में कोट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था, तो हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे अपनी सभी मूंगफलियों को, और इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक सिकने देंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट में हमारी ये मूंगफलियाँ सिक करके तैयार हो गई हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी सभी मूंगफलियों को एक प्लेट में निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमारी बड़ी झटपट से बन जाने वाली और बहुत ही टेस्टी मसाला मूंगफली या फिर टेस्टी तैयार हो चुकी है। तो रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दो, और घंटी को भी ज़रूर दबा देना।